माफ करिए, कन्या राशि वालों का ये सेकंड फेज बना रहा हूँ, वो कट गया उसमें और मैं अभी एडिटिंग का टाइम नहीं है। तो आप कन्या राशि वाले जो राशिफल मैं बोल रहा था इसका पूर्व वीडियो भी जरूर देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ कन्या राशि वालों का यहाँ से ये अष्टम स्थान पे राहुदेव, और हमेशा याद रखिए जीवन में अष्टम स्थान पे कोई भी ग्रह बैठा हो वो एक बाधा जोन पे रहता ही है और वहीं से ही आपका जीवन में बाधा आना स्वाभाविक बात है। तो इसलिए राहु यहाँ बलाबल के साथ हालांकि हैं और इसलिए थोड़ा सा इस स्थान पे इस स्थिति पे आपको थोड़ा सावधान रहने का अत्यंत आवश्यकता रहेगा। चोर चपेट एक्सीडेंट कोर्ट कचरी माली मकदमा मृत्यु तुल्य पीड़ा ये राहु का स्थिति से कभी कभार मिलता है, एक ऐसा नहीं कि हमेशा मिलता है लेकिन इस क्षेत्र में ये पूरा जब तक राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं सावधान रहने का तो आवश्यकता बहुत जरूरी है। और बात करते हैं आपके नवम स्थान भाग्य स्थान पे मंगल पूरा सपोर्ट, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। और आपको भी मैं कहूँगा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती के सेक्टर में अगर आप कुछ भी काम करते हो तो आपको यहाँ मंगलदेव बहुत अच्छा दशम और नवम में आपको दे सकते हैं और आपको कई प्रकार के आध्यात्मिक विकास भी इस समय दे सकते हैं। और बात करते हैं करियर, तो ये आपके लिए एकदम टॉप चलेगा। स्वयं करियर के अधिपति चतुर्थ में अपने लग्न के ऊपर, तो कर्म का चंचलता कर्म क्षेत्र में व्यस्तता इस समय बढ़ना दिखाई दे रहा है। कई सारे नया माइलस्टोन कवर करेंगे, नया अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिलेगा और मान सम्मान का भी स्थिति कहीं ना कहीं से, हालांकि पापकर्त्री लग्न जा रहा है फिर भी आपको कहीं ना कहीं से संभावनाएं तो रहेंगे लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना इसको एनकेस कर पा रहे हैं। और धन का क्षेत्र और इन्वेस्टमेंट मैं इस समय मना करूंगा क्योंकि ये स्थिति ही है आप पापकर्त्री में, डिसीजन गलत लोगे कन्या वाले, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और इधर आपको पंचम से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ज्ञान का क्षेत्र से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है और आपके सेकंड हाउस से भी कोई खास सपोर्ट नहीं है। और यहाँ चंद्रमा से भी आपको बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिकल लेवल पे सपोर्ट एकादश के ऊपर, हाँ हालांकि गुरु का दृष्टि है लेकिन शनि का भी दृष्टि यहाँ पर आ रहा है। हाँ, और सबसे ज़्यादा सावधानी कन्या राशि वालों को द्वादश स्थान पे शुक्र का गोचर और सूर्य का गोचर, पिता का कारक ग्रह का गोचर और स्वगृही होने के बावजूद भी आप अननेसरी अनकंट्रोल्ड खर्चा का सामना आपको करना पड़ेगा। कभी लग्जरी में खर्चा, कभी अननेसरी यात्राओं में खर्चा, कभी विदेश यात्राओं का खर्चा, और ये यात्रा कोई आपको बहुत ज़्यादा सफलता देगा ये भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आप खुद फंसे हो पाप कर्तरी में। तो इन क्षेत्र में जब भी आपको निर्णय लेना हो तो थोड़ा सा सोच समझ के और सावधानी पूर्वक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कुंडली विश्लेषण या एस्ट्रोलॉजी हमारे गुरुकुल में रह के सीखना चाहते हैं तो संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।